नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान जारी है। तीसरे चरण में 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरे चरण का चुनाव की तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। इस चरण में करीब करीब 39 लाख से अधिक मतदान वोट डालेंगे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के ताकत में कमी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम से आगे की दिशा तय होगी। अगर भाजपा को इन चुनाव में नुकसान हुआ तो सरकार की स्थिरता पर सवाल जरूर उठेगा। पीके ने बिहार में भाजपा की स्थिति पर भी खुलकर बात की। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों का टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कानपुर में जारी है। मंगलवार यानी 1 अक्टूबर को टेस्ट का आखिरी दिन है। मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। दूसरा और तीसरा दिन बारिश से पूरी तरह धूल गया। वहीं पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल हो पाया। बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 233 रन बनाए हैं। जूनियर डॉक्टर्स 42 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद 21 सितंबर को आंशिक रूप से सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर वापस लौटे थे। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या के विरोध में काम बंद आंदोलन पर थे। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन ड्रामा वेब सीरीज सीटाडेल सीजन 2 की शूटिंग में बिजी हैं। फिर इसको लेकर के बेहद उत्साहित हैं। प्रियंका इस सीरीज के जरिए एक बार फिर नादिया के रूप में वापस करेंगी। क्या होगी इसकी रिलीज डेट और कौन कौन आएगा नजर, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस आर्टिकल में जुड़े रहें। आरोपी ने पहले राम बारात में अभद्रता की शिकायत करने पर युवकों को मोहल्ले में घेर कर पीट दिया। गुस्साए लोगों ने आरोपितों की बाइक में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। मारपीट में एक युवक को गंभीर चोट आई है, जिसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ईरान के राजदूत डॉक्टर इजराइल इलाही ने कहा कि हिजबुल्ला आतंकवादी समूह नहीं है बल्कि राजनीतिक संगठन है। उन्होंने इजराइल द्वारा हिजबुल्ला को आतंकी संगठन बताने की निंदा की। इलाही ने कहा कि नरसंहार, रक्तपात और निर्दोष नागरिकों पर हमले पर यह इजराइल का बहाना है। ईरानी राजदूत ने कहा कि मध्य पूर्व में तनाव कम करने की एकमात्र चाबी इजराइली हमलों को रोकना है। अक्टूबर 1964 को जन्मे एयर चीफ मार्शल सिंह को दिसंबर 1984 में भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट स्ट्रीम में नियुक्त किया गया। लगभग 44 वर्षों की अपनी लंबी पारी में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। एयर चीफ मार्शल सिंह ने ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन और फ्रंट लाइन एयरबेस की कमान संभाली है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा जिला अध्यक्ष के बयान पर सियासी हंगामा मच गया। इंदौर के भाजपा जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने गरबा पंडाल में आने वाले हर शख्स को प्रसाद के रूप में गौमूत्र और माथे पर तिलक लगाने की सलाह दी। कांग्रेस ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनका बयान बचकाना है, ध्रुवीकरण के उद्देश्य से ऐसे बयान दिए जाते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा के 10 महीने से बकाये वेतन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार को आदेश जारी किया है। उन्होंने जज के वेतन का भुगतान जल्दी करने की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि किसी न्यायाधीश के बिना वेतन के काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।